हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स होता है उसका एक इम्पोर्टेंट वीआईक्यू होता है वो सोल्व करेंगे, जहां पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ में बताऊंगी। सबसे पहले ये जून 2019 के अंदर पार्ट बी के अंदर होता है, वो क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, जहां पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट इज ए बी सी डी जीन आर नॉट लिंक, यानी कि ये तीनों चारों जीन होते हैं वो लिंक नहीं है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी बींग्स ए, यानी ये प्रोजेनी होती है वो दे रखी है, ये बने कि क्रॉस करवाया गया है, दो पेरेंट होते हैं जहाँ पर ये कंडीशन होती है वो दे रखी है। अब आप इस क्वेश्चन को होता है वो कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आपको पेरेंट्स होता है वो लिख लेना है जहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि ये पेरेंट होता है वो दे रखा है। अब आता है कि ये दूसरा पेरेंट होता है वो दे रखा है, प्रोजेनी होता है वो ये दे रखी है, जहाँ पर प्रोजेनी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक होमो का मतलब, यहाँ पर एक ट्रिक है कि होमो इंटू होमो बराबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, उसी प्रकार से होमो इंटू हेटेरो बराबर हाफ होता है, और हिटेरो इंटू हेटेरो यानी होमो और हिटेरो, इसमें दो कंडीशन बनेगी जहाँ पर होमो की 1/4 और हेटेरो की 1/2 बनेगी। अब इसमें होमो कंडीशन होता है उसका मतलब क्या होता है, दोनों गैमेट होते हैं वो सेम बनेंगे, यानी ए ए बी बी सी सी और डी डी, यानी ये कंडीशन होती है उस कंडीशन में होमो बनेगा, यानी 1 कंडीशन आ जाएगी दोनों पेरेंट का क्रॉस करवाएंगे तो। अब हेटेरो कंडीशन होता है उसके अंदर दो जीन होते हैं वो डिफरेंट होगी, दोनों गैमेट होते हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होगी, गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं, ये कंडीशन याद रखनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर ये ट्रिक्स होता है वो आपको याद करना रहेगा, याद करनी पड़ेगी, जहाँ पर होमो इंटू होमो बराबर 1, होमो इंटू हेटेरो बराबर हाफ, और हिटेरो हिटेरो कंडीशन आने पर अगर होमो आ रहा है नीचे प्रोजेनी के अंदर तो 1/4, हिटेरो आ रहा है तो 1/2 कंडीशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ए कंडीशन यानी होमो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर भी होमो कंडीशन, तो आप क्या लिख लो कि यहाँ पर होमो कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर होमो कंडीशन दे रखी है। अब आपको जब होमो कंडीशन दे रखी है तो नीचे प्रोजेनी के अंदर होता है वो नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली होता है वो 1 लिख लेना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर देखना है हिटेरो कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर होमो, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेटेरो कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर क्या दे रखा है, होमो कंडीशन दे रखी है, तो होमो इंटू हेटेरो मीन्स क्या होता है 1/2, तो आप 1/2 लिख लेना। फिर आता है कि ये कंडीशन होमो कंडीशन, होमो रिसेसिव कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर भी होमो कंडीशन रिसेसिव दे रखी है, होमो कंडीशन आते ही आपको 1 इन होमो इंटू होमो बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेना है। फिर आता है मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर आपको हिटेरो कंडीशन दे रखी है, ये कौन सी कंडीशन है, हिटेरो कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन है, ये होमो कंडीशन है, यानी होमो इंटू हेटेरो होता है, जब क्रॉस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, आपको नीचे कब देखना है प्रोजेनी के अंदर, जब दोनों हेटेरो हेटेरो कंडीशन होती है वो दे रखी हो अगर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको होमो नीचे प्रोजेनी के अंदर देखना है कि वो होमो आ रहा है कि हेटेरो आ रहा है। अब आपको डायरेक्टली क्या कर लेना है, 1/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। उसी टाइप से जैसे दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी बींग्स, यहाँ पर आपको प्रोजेनी दे रखी है और पेरेंट होते हैं वो दे रखे हैं, जहाँ पर दोनों को क्रॉस करके क्या बनानी है, प्रोजेनी होता है वो बनानी है। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, उसी में सेम एज इट इज आपको होमो इंटू होमो कंडीशन में 1 याद रखना है और होमो इंटू हेटेरो कंडीशन में हाफ याद रखना है, हेटेरो हेटेरो कंडीशन आते ही आपको क्या करना है, होमो 1/4 हो जाएगा और हेटेरो कंडीशन में 1/2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पेरेंट होता है वो लिख लेना है, दोनों पेरेंट होते हैं वो लिख लेने हैं, फिर प्रोजेनी होती है वो दे रखी है, जहाँ पर ये कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन है, दोनों अलग अलग जीन है तो ये हेटेरो कंडीशन हो जाएगी, ये जीन कौन सा है, हेटेरो कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरो कंडीशन है, ये दोनों ही कौन सी कंडीशन है, हेटेरो कंडीशन है, तो हेटेरो हेटेरो यानी हेटेरो हेटेरो कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रोजेनी देखना पड़ेगा ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरो कंडीशन है, जहाँ पर हेटेरो कंडीशन के लिए हमने हाफ लिखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ लिख लेंगे इनटू, अब क्या करेंगे, यहाँ पर होमो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर होमो कंडीशन दे रखी, तो यहाँ पर होमो हो गया और यहाँ पर भी होमो हो गया। अब करना क्या है, आपको प्रोजेनी होती है वो नहीं देखनी है क्योंकि दोनों होमो होमो, आपको एक बात याद रखनी है, आपको प्रोजेनी कब देखनी है, जब दोनों कंडीशन हेटेरो हेटेरो हो तभी आपको देखना है, उससे पहले आपको नहीं देखना है। इसमें दोनों होमो कंडीशन है तो आप 1 लिख लेंगे, फिर उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर हेटेरो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर हेटेरो कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर हेटेरो कंडीशन दे रखी है, अब आपको हेटेरो कंडीशन दोनों कंडीशन में आपको प्रोजेनी को होता है वो चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हेटेरो कंडीशन आई है तो यहाँ पर नीचे भी क्या दे रखा है, हेटेरो कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेटेरो कंडीशन में वापस से 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख रखा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद में यहाँ पर हमें होमो कंडीशन, यहाँ पर होमो कंडीशन, ये कैसी कंडीशन है, ये होमो कंडीशन है और ये भी कैसी कंडीशन है, होमो कंडीशन है, यानी होमो होमो कंडीशन में आपको प्रोजेनी को नहीं देखना है, ना ही आपको होमो हेटेरो कंडीशन में देखना है, ओनली प्रोजेनी को कब देखना है, जब हेटेरो हेटेरो कंडीशन हो तब आपको प्रोजेनी को चेकआउट करना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या उसी टाइप से जैसे कि जिम गेट 2015 के अंदर होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था, ये उसी टाइप मेथड होता है, उसी पर बेस्ड होता है, लेकिन इसमें अप्लाई करना है हमें मेंडेलियन जो प्रिंसिपल होता है उसको अप्लाई करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मेंडेलिज्म होता है वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है, जहाँ पर ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर पेरेंट होता है वो अच्छे से दे रखा है, सेल क्रॉस करा रखा है, पेरेंट के बाद में प्रोजेनी होता है वो दे रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं वो देखने, सबसे पहले मैं आपको बात करी तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर हेटेरोजाइगोट एन बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट है, जहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, यानी ये कितने हो गए, हेटेरोजाइगोट कंडीशन 5 है। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आपको
यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये सभी होमो होमो कंडीशन होती है वो गिवन अब दे रखी है, आप लिख सकते हो यहाँ पर होमो और यहाँ पर भी होमो कंडीशन, यानी सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आंसर निकालने के लिए 1 इंटू 1, यानी वापस से आपको 1 1 लिखना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आप लिख सकते हो, या आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो 1 लिख सकते हो, क्योंकि सभी में होमो कंडीशन आ रहा है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मेंडेलियन, इस क्वेश्चन में अच्छे से बोला गया है कि आपको अप्लाई करना है मेंडेलियन जो प्रिंसिपल होता है उसको अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको प्रोजेनी के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, जहाँ पर हमें टोटल कॉम्बिनेशन होता है वो 5 होता है, नंबर ऑफ हेटेरो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो 4 की पावर n होता है, जहाँ पर हम क्या करेंगे टोटल कॉम्बिनेशन होता है वो निकालना है, तो टोटल कॉम्बिनेशन होता है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर होता है वो n करना पड़ेगा, जहाँ पर 4 × 4 × 4 × 4 × 4, आखिर 5 पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितनी बार थे, 5 पर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1024, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होता है वो ये आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक तक पहुँच सकते हो, लिख सकते हो अपना डाउट, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।